यमुना का पानी खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है। पहले तो निचले स्तर के गांव में पानी ने अपनी जगह बनाई, इसके बाद पानी का अब औरैया से जाने वाले जालौन के राष्ट्रीय राजमार्ग पर आ गया है, जिसके चलते जिला जालौन की सीमाओं को पुलिस ने सील कर दिया। आपको बता दें, जिला जालौन औरैया से सटा हुआ जनपद है, जिसमें दोनों जनपद में आने वालों की संख्या काफ़ी है, लेकिन सड़क पर बाढ़ के पानी आने के बाद अब पूरी तरह वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया। दोनों जनपद के आसपास रहने वाले लोगों का संपर्क टूट गया है, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाहनों के बंद होने के बाद अति आवश्यक कार्य होने से लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं। यमुना का पानी खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर तक पहुंच गया है। लगातार बढ़ रहे यमुना के जलस्तर से कई गांव डूब गए हैं। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक नाव पर बैठकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं। साथ ही औरैया जालौन के बीच सभी वाहनों के प्रवेश पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है और जगह जगह भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। अरे यार, क्या नाम है? आकाश सोनी। आकाश, क्या मामला हो गया जो पैदल जाना पड़ रहा है? इतनी तेज बाढ़ आ गई है, नैनापुर में भी पानी भरा हुआ है रोड पे, इस वजह से कहीं निकलने नहीं दे रहे हैं, साधन सारे सब रुके हुए हैं, जालौन बाईपास को रोक दिया है इस वजह से। कहाँ से पैदल आ रहे हो? जालौन बाईपास। जाना कहाँ है? कुठौन। कितनी दूरी है जालौन बाईपास? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर पैदल जाना पड़ रहा है। क्या होती है, क्या करने जा रहे हैं? पेपर वगैरह क्या है? पेपर हमारा और ये है, दोबारा रिटर्न करके जाएंगे घर। क्या नाम है आपका? अशोक। अशोक, कहाँ से पैदल आ रहे हो और कहाँ जाना है आपको? आप अपने परिवार के साथ पैदल चले आ रहे हो, क्या कारण है आपने पूछा नहीं? मजबूरी हमारी घर से, इसलिए हम जा रहे हैं। मेरा भाई खत्म हो गया, मैं जा रहा। कि रोड पर वाहन नहीं मिला? आपको वाहन नहीं मिले क्या? अरे मानेसर बांसगांव से आए, उधर कोई बस नहीं आई, वहाँ छोड़ दिया उन्होंने। बस छोड़ दिया? हाँ। अच्छा, कैसा जा रहे हो? उधर से पुल पार कर लेंगे, अगर उधर मिल जाएगा वाहन तो निकल जाएंगे।